बिग बॉस ओटीटी 2 को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है और इसमें रोजाना नए नए लोगों की वाइल्ड कार्ड एंट्रीज से कई सारे मजे जुड़ते जा रहे हैं। हाल के एपिसोड में एक नया कैप्टेंसी टास्क पेश किया गया, जहां एल्विश यादव को तानाशाह बनाया गया और काम में सफल होने पर कप्तानी उन्हें मिल जाती। बिग बॉस के फैंस इस बात को बड़ी आराम से जानते हैं कि कैप्टेंसी टास्क बिना किसी ट्विस्ट के अधूरा है। इस टास्क में भी झगड़े और विवाद जमकर हुए। एल्विश का मुकाबला जिया शंकर, अविनाश सचदेव और फलकनाथ से हुआ। टास्क के बीच में जद हदीद को बेबिका धुर्वे से एलिमिनेशन के बारे में बताते हुए देखा गया। बिग बॉस ओटीटी 2 के हालिया एपिसोड में जद हदीद को बेबिका धुर्वे से अपने ट्रांसलेशन संबंधी मुद्दों के बारे में बात करते हुए देखा गया। आपको बता दें कि जद दूसरे देश से हैं और पहले एपिसोड से ही वो ट्रांसलेशन संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जद ने बेबिका से कहा, मुझमें एनर्जी की कमी है, मैंने अपने जीवन में इतना ड्रामा कभी नहीं देखा, मैं इसे अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जद हदीद को सता रहा है डर। बेबिका ने उन्हें खुश करने की कोशिश की, जबकि जद आगे कहते हैं, हर बार जब मैं ग्रुप में बैठता हूं तो वे हिंदी में बात करते हैं। मैं ट्रांसलेशन मांगते पूछते थक गया हूं, उन्हें कोई परवाह नहीं है, मैं थक गया हूं, मुझे पता है कि यह मेरा शो नहीं है। इस बात पर बेबिका ने उन्हें ट्रैक पर वापस आने के लिए कहा। लेबनान मॉडल और एक्टर ने आगे कहा कि मुझे पता है कि मैं इस शो से रिलेटेड नहीं हूं, मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि यह जगह मेरे लिए नहीं है। शो के अंत में आप लोगों में से एक जीतेगा, मैं नहीं, क्योंकि मैं भारतीय नहीं हूं। आपको बता दें कि बिग बॉस ओटीटी 2 का प्रीमियर 17 जून को जियो सिनेमा पर हुआ। यह शो हफ्ते में रोज रात 9 बजे 24 घंटे की लाइव स्ट्रीमिंग के साथ प्रसारित होता है। वीकेंड पर वीकेंड का वार के लिए सलमान खान आते हैं। फिलहाल घर में पूजा भट्ट, फलकनाज, बेबिका धुर्वे, अभिषेक मल्हन, अविनाश सचदेव, जिया शंकर, मनीषा रानी, जियाद हदीस सहित वाइल्ड कार्ड्स एल्विश यादव और आशिका भाटिया शामिल हैं।